नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, पीआरबी स्ट्रेटजी यानी प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज करके कैसे हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का डिटेल्स ले सकते हैं, कोर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्या क्या कवर होगा फंडामेंटल एनालिसिस में, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं गो प्रीमियम सेक्शन में जाके। उसके साथ ही आपको इंट्राडे स्क्रीनर और काफ़ी और इंट्राडे के टूल्स का एक्सेस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी और प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है। प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, इसीलिए पहले मैं आपको थोड़ा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के बारे में समझाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाए कि प्राइस एक्शन आखिर क्या होता है, फिर उसके बाद से हम प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि आप जो भी ट्रेडिंग पोजिशन ले रहे हैं वो रीसेंट और एक्चुअल प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे ही ले रहे हैं। मतलब जो भी आप ट्रेड करेंगे आप केवल प्राइस को देख के करेंगे, आप कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे। तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का जो बेसिक चीज़ है वो मतलब डिमांड सप्लाई पे, जो बिल्कुल बेसिक्स होता है उस पर बेस्ड है कि भाई हम डिमांड सप्लाई और अदर टर्म्स में कह जाइए तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके ही अपने ट्रेड को लेंगे। और उसके लिए हम जो भी रेजिस्टेंस होता है बेसिकली ग्राफ पे, तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो एक तरह से देखा जाए कि सप्लाई जोन होता है। कि सपोज़ अगर किसी स्टॉक ने आज के दिन पे हाई मारा किसी एक्स वाई एक्स रुपीज़ का, तो एक्स यानी मतलब हुआ कि एक्स एक रेजिस्टेंस जोन हो गया है आज का, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्लाई है सेलर्स की कि उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया। ऐसे ही सपोर्ट जो होता है वो एक डिमांड जोन होता है कि अगर मान लीजिए स्टॉक गिरा और 280 पे गया, उसके नीचे नहीं जा पाया, उसके ऊपर से बाउंस बैक कर गया, तो समझ लीजिए कि वो एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे बायर्स की डिमांड होती है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी इन्हीं चीज़ को लेता है और एज्यूम करता है कि प्राइस किंग है, हम बस प्राइस के मूवमेंट को देख के ही ट्रेड करेंगे। प्राइस जैसे जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाएगा हम उसको खरीदते या बेचते जाएंगे, और हम केवल अपने रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन पे ही बेचेंगे और डिमांड जोन पे खरीदेंगे, और हम कोई और इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन में आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती, वो केवल ब्रेकआउट्स पे बेस्ड होता है। तो प्राइस एक्शन का रूल क्या है, बेसिक रूल यही है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो आप बाई करेंगे और स्टॉप लॉस उसका अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे लगाएंगे, और जब भी कोई सपोर्ट टूटता है आप सेल करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपना जो सपोर्ट जो टूटा है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। तो ये प्राइस एक्शन का पूरा डिटेल होता है। अब हम जानते हैं कि हमारा प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होता है। तो प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इज़ द प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी विच सेज दैट यू हैव टू बाई व्हेन प्राइस गोज अबव यस्टरडेज हाई एंड यू हैव टू सेल व्हेन प्राइस गोज बिलो यस्टरडेज लो। सिंपल शब्दों में बोलिए कि कल का जो हमारा हाई प्राइस है वो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जो कल क्रॉस नहीं कर पाए थे क्योंकि कल इतने लोग सेलर थे। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे जैसे ही वो जोन टूटता है हमारा आज का, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, हम उस स्टॉक में लॉन्ग जाएंगे। ऐसे अगर रिवर्स डायरेक्शन में हमारा नीचे की तरफ जो कल का लो था वो टूटेगा, यस्टरडेज लोज अगर टूटेगा, तो हम वहाँ पे सेल करेंगे और हमारा जो जहाँ पे हमने सेल किया उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस को, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, बाई व्हेन प्राइस गोज अबव यस्टरडेज हाईज एंड सेल व्हेन प्राइस गोज बिलो यस्टरडेज लो, ये तो सिंपल सा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। आप इसको यूज़ करके अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रैटजी परफेक्ट है, इसकी एक्यूरेसी कितना है? दोस्तों कोई स्ट्रैटजी परफेक्ट नहीं होती, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी का चांस होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, और ऐसे ही हम अपने प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटजी को भी की भी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं अगर हम कुछ और चीज़ों का ध्यान रखें। अगर हम अपने प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट को ट्रेंड एनालिसिस से कंबाइन कर दें तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में अपने लास्ट 20 डेज में और उसने अपने यस्टरडे के हाई को ब्रेक किया, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, अगर मैं कहता हूँ श्योरिटी नहीं है, एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है। अगर आपको आप इसी चीज़ को अपने मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से कंबाइन कर देंगे तो और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कल का हाई जो है वो मंथली के रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल आसपास है, तो जैसे ही वो हाई टूटता है और आपका मंथली हाई भी टूटता है, एक और प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो एक अच्छा ट्रेड होगा। और पुल बैक पी आर बी इज़ इवन स्ट्रॉन्गर, मतलब क्या, अगर पुल बैक आ जाता है आपके पी आर बी में तो वो एक बहुत ही अच्छा कन्फर्मेशन रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल का हाई ये पॉइंट है, देखिए थर्ड का जो है, थर्ड का पूरा ग्राफ ये है और ये फोर्थ का स्टार्ट हो रहा है, तो कल का जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट यहाँ बना था और उसने कल के हाई को
जब ब्रेक किया तो उसके बाद से रिट्रेसमेंट आया, जो ब्रेक करने के बाद से नीचे जाता है। यूजली क्या लोग यहीं पे तुरंत बाई करते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहीं यहीं लगाते हैं, लेकिन जो रिट्रेसमेंट आता है वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। लेकिन पुलबैक क्या होता है कि जो पहला ब्रेकआउट आता है, जो पहली बार रेंज को ब्रेक करता है, उसके बाद से एक हल्का सा पुलबैक आता है और उसके बाद सेकेंड टाइम अगर उसी को वो वापस उस कैंडल को तोड़ता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत एक स्ट्रांग पुल बैक है। और वो जो ब्रेकआउट है येस्टरडे हाई का, जो प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट है, वो सस्टेन हो सकता है। तो ऐसे कई तरह से आप ट्रेंड एनालिसिस और चीज़ों को यूज़ करके, पुल बैक को यूज़ करके, इन चीज़ों को आप अपने PRB को काफ़ी स्ट्रांग बना सकते हैं और इस पर कॉन्फिडेंट ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा PRB के बारे में। चलिए हम इसको देखते हैं कि आप रियल टाइम में PRB स्टॉक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हमारे प्रीमियम स्कैनर के साथ। जिनको नहीं पता है, हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को एक इंट्राडे स्क्रीनर टूल मिलता है जिसमें काफ़ी स्ट्रैटेजीज जो मैं बताता हूँ वो एक्चुअली इंप्लीमेंटेड है, जैसे ओपन हाई लो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ऐसे PRB स्ट्रैटेजी भी उसमें इंक्लूडेड है। चलिए हम अपने स्क्रीनर को देखते हैं और देखते हैं हम PRB स्टॉक्स कैसे खरीद बेच सकते हैं अपने स्क्रीनर को यूज़ कर। दोस्तों हमने अपना इंट्राडे प्रीमियम स्कैनर खोल लिया है, जिसको प्रीमियम स्कैनर का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, जिसको आइडिया नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पे www.janoaursikho.com/go-premium ये जो दिख रहा है आपको लिंक, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सारा डिटेल ले लीजिए कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए हम जानते हैं कि हम PRB को कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपने स्क्रीनर को यूज़ करके। तो ये देखिए यहाँ पे एक PRB का कॉलम है जहाँ पे प्राइस प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है। उसके बाद से यहाँ पे जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं जो मैंने FNO के लिस्टेड हुए हैं, वहाँ पे PRB ऑटोमेटिकली सिग्नल जनरेट करते हैं जब भी कल का हाई या लो टूटता है और वो सस्टेन करता है थोड़ा। तो अगर आप इसको जो 30-day चार्ट है किसी भी स्टॉक का, उससे कंबाइन कर देंगे स्क्रीनर पे, तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, देखते हैं हमारे कुछ इसमें से जो PRB सिग्नल्स जो इतने जनरेट हुए हैं, इसमें से हमको सिग्नल्स को देखते हैं और देखते हैं कैसे हम इन सिग्नल्स को यूज़ करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे। तो लेट्स सी, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि PRB का हमें बाई सिग्नल तो मिला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये OHL भी, अगर वो OHL भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए बाटा इंडिया में बाई एट 625.9 मिला और OHL लो भी दे रहा था, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता था काफ़ी, क्योंकि आप देखिए ग्राफ में भी जब आप इसके जाएंगे तो इसका ग्राफ देखिए स्टॉक 30 डेज अप ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छा अपलाइन है। और जब भी अप ट्रेंड में एक प्रीवियस रेंज टूटता है तो वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वही मतलब होता है अप ट्रेंड का। जब भी अप ट्रेंड में स्टॉक को जाना रहता है और सस्टेन करना रहता है तो कई अपने प्रीवियस हाइस को तोड़ेगा। और ये OHL भी है, आप इन दोनों को कंबाइन कीजिए, एक परफेक्ट बाई बन गया था 625 पे और ये 632 पे क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेड प्राइस और काफ़ी ऊपर भी गया था। तो ये देखिए एक फॉर एग्जांपल एक सिग्नल मिल गया। ऐसे ही BEML देखिए 1706 पे PRB ने बाई जनरेट किया था, क्लोज हुआ है 1734 पे। BEML का ग्राफ आपको बिल्कुल उसी तरह दिखेगा, अप ट्रेंड में स्टॉक है पिछले 30 दिनों में और काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं, इसने कुछ सेल सिग्नल भी जनरेट किए हैं, इसने बायोकॉन को सेल जनरेट किया है 374.05 पे और वो जो बंद हुआ है 356 पे हुआ है। तो आप इसके ग्राफ से देख सकते हैं कि ये ऊपर जाके कंसोलिडेट किया काफ़ी पिछले दिन से, ऊपर नया रेंज नहीं ब्रेक कर पा रहा था और डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इसमें और इसने इसको काफ़ी अच्छा आइडेंटिफाई किया। खुला नीचे था ये स्टॉक, लेकिन जैसे इसने पिछले दिन का जो लो था उसके ऊपर जाके फिर से उसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक PRB सिग्नल जनरेट हुआ सेल का और काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा हुआ। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटानिया है जो ओपन लो था 3890 पे जनरेट हुआ, 3905 पे स्टॉक क्लोज हुआ है। ब्रिटानिया का भी ग्राफ एक परफेक्ट अप ट्रेंड में ग्राफ जा रहा है। 498.7 पे BPCL का जनरेट हुआ है और फाइनली BPCL ने 518 पे क्लोज दिया है। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट किया, 30-day चार्ट से आपको दिख सकता है और ऊपर की ओर अपनी जर्नी रिज्यूम की है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है इसमें क्या है कि ये जो सिग्नल्स आते हैं, हो सकता है कभी ये अपने प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया उसके बाद से वो फॉल्स ब्रेकआउट निकला और वो वापस नीचे चला गया तो ये सिग्नल चला जाएगा। बट ये अगर आप इसको ट्रेंड के साथ कंबाइन कर सकते हैं और आप और इंडिकेटर, मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर, OHL क्या है वो प्राइस एक्शन इंडिकेटर है, आप ORB जो होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है वो भी एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। तो इन स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे
तो आपको दिखेगा कि आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो अगर कोई भी ट्रेंड में स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेट्स सी, अमरा राजा बैटरी का 815 पे इसने PRB सेल जनरेट किया था, और ये देखिए अब ये कंसोलिडेट हो रहा था, थोड़ा डाउन ट्रेंड में स्टॉक आया 15 दिन में, और सडनली एक ब्रेक हुआ था, इसमें प्राइस का ब्रेक आया था, और इसका जो लो प्राइस है वो 788 के अराउंड आया था कल, तो 815 से 788 काफ़ी अच्छा रेंज होता है। तो यही देखिए, आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, आप स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, हमारे प्रीमियम स्कैनर को, और PRB को रेडीमेड 180 FNO स्टॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको और भी फीचर्स मिलते हैं स्कैनर में, जैसे वो आप इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देखिए फार्मा इंडेक्स नेगेटिव में था और खुलते ही नेगेटिव में था, तो आप या कोई इंडेक्स जैसे मेटल इंडेक्स पॉजिटिव में था, तो चलिए एक बार हम मेटल इंडेक्स को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर, और हम टेम्पररी फ़िल्टर व्यू क्रिएट करेंगे, और हम अपने सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे मेटल और एलुमिनियम। तो इसको हम यहाँ क्लियर किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मेटल्स, और हमने सेलेक्ट किया एलुमिनियम, क्योंकि दोनों मेटल्स में आते हैं। उसके बाद से हमने इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए, अब हमारे जो स्टॉक्स है इसमें हम देखते हैं क्या किसी में जनरेट हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक बाई सिग्नल टाटा स्टील में जनरेट हुआ था, जो कि 568 के अराउंड जनरेट हुआ था, और क्लोज फाइनली उसने 580 पे दिया, काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा हुआ। ORB सिग्नल ने भी इसको यस किया था, और ट्रेंड आप देख सकते हैं कि थोड़े देर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे से बढ़ के उसने वापस अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया था। वेदांता पे 283 पे बाई दिया था इसने, PRB का 288 पे फाइनली क्लोजिंग हुई, और ये भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग ग्राफ है। और देख सकते हैं इसमें आपने जिंदल स्टील को उसने सेल दिया है, जिंदल स्टील 139.85 पे सेल जनरेट हुआ था, और 138.35 पे क्लोजिंग हुआ था। बट इस ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि लॉन्गर टर्म इसका अप ट्रेंड है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं ऐसे को, हम ट्रेंड के साथ जाके अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। JSW स्टील 225 बाई लास्ट ट्रेड प्राइस 228। तो ऐसे आप मतलब सेक्टर वाइज भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने PRB सिग्नल्स को कंबाइन कर सकते हैं, और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज़ के साथ, आप इसको नॉर्मल इंडिकेटर के साथ ना कंबाइन करके प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज़ के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा होगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक इंट्राडे टिप भी साथ में दूंगा, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ काफ़ी लोग ये सेम गलतियाँ करते हैं। तो अपने आप जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, आप उसको डिवाइड करके ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेट्स से कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, तो आप इसको 25,000 रुपीज़ ईच करके 4 ट्रेड में डिवाइड कीजिए, और दो दो ट्रेड एट ए टाइम लीजिए, उससे ज़्यादा आप ट्रेड मत कीजिए, अपने पूरे कैपिटल से ना ट्रेड कीजिए। तो आपका ये जो 4 ट्रेड प्रॉबिलिटी, उसमें अच्छे ट्रेड्स की ज़्यादा हाई हो जाती है, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी या कोई इंडिकेटर 520 EMA स्ट्रैटेजी या कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को डिवाइड करके कॉल्स में या ट्रेड्स में जो आप ले रहे हैं उसमें पैसे लगाइए, पूरे के साथ ट्रेड मत लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हैं janorsikho.com/training पे, और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए बैचेस 26 से स्टार्ट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।